ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। सावन के महीने की शुरुआत 4 जुलाई 2023 से हो चुकी है और इस बार सावन का महीना बहुत खास है क्योंकि इसमें अधिक मास भी लगा है। अधिक मास की शुरुआत 18 जुलाई 2023 से हुई है जो 16 अगस्त 2023 को समाप्त होगा। सावन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर अधिक महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन जप तप और दान करते हैं उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्त होता है। इस साल 1 अगस्त 2023 को श्रावण अधिक पूर्णिमा पड़ रही है। 2023 को पूर्णिमा मनाया जाएगा। यह अधिक मास की पूर्णिमा तिथि होगी। अगर आप शरीर के इस हिस्से पर बांधेंगे काला धागा तुरंत सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मित्रों, लगभग 900 वर्षों बाद कल 1 अगस्त को पूर्णिमा तिथि आई है जिसका बहुत ज़्यादा महत्व बन रहा है। इस दिन शरीर के इस भाग पर आज ही बांधें एक काला धागा। शिव जी की कृपा से घर के धमे धन धान्य से के भंडार भर जाएंगे। अकूत धन और नव विधियों के स्वामी धन के अधिपति कुबेर धन संपत्ति का वरदान देंगे। आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। धन ऐश्वर्य सुख समृद्धि पाकर आप सफल इंसान बन जाएंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा पर अगर आप लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजन करते हैं तो आपको विशेष लाभ धन संपत्ति का लाभ होता है। दोस्तों, जितना जल्दी हो सके शुभ समय की समाप्ति से पहले शरीर में इस जगह आज ही बांधे एक काला धागा। बन जाओगे माला माल। गुरु पूर्णिमा में काला धागा बांधने से आपका भाग्य उदय हो जाएगा। दोस्तों, आपने कई बॉलीवुड की अभिनेत्रियों को शरीर पर काला धागा बांधे हुए देखा होगा। कई बड़े उद्योगपतियों को काला धागा शरीर के विशेष हिस्से में, यहाँ तक कि अगर आप ध्यान में देखें तो हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथों में भी आपको काला धागा बंधा हुआ दिख जाएगा। तो यही वह सक्सेस का महामंत्र तो नहीं है क्या? यह वह उनकी सफलता के पीछे का राज है? आखिर लोग काले धागे क्यों पहनते हैं? शायद आपने इस बारे में कभी सोचा नहीं होगा। वैसे अगर देखा जाए तो काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करता है और इसलिए किसी भी पूजा पाठ शुभ कार्य में काले रंग के कपड़े नहीं पहने जाते। परंतु दोस्तों, काले वस्त्र धारण और काला धागा शरीर पर बांधना दोनों में बहुत फर्क है। आपने अक्सर देखा होगा छोटे बच्चे को नजर ना लग जाए इसलिए काला टीका लगाया जाता है। तो वास्तव में काला रंग हर तरह से शुभ नहीं है। सृष्टि में काले रंग का उज्जवल सच यही है कि उसे ईश्वर ने भी श्रेष्ठ माना है। रंग की महत्ता को तो स्वयं शक्ति की देवी महाकाली बताती हैं। आपने भगवान जी विष्णु जी के अनेक मूर्तियां मंदिर में देखी होंगी, जैसे कि प्रभावशाली शालिग्राम काले पत्थर के रूप में विष्णु भगवान को माना गया है, किसी अन्य धातुओं और पत्थरों से बनी मूर्ति का नहीं है। काले रंग की गाय को कपिला गाय कहा जाता है जिसे बहुत ही शुभदायी फल प्राप्त माना जाता है। काली गाय के पैरों के नीचे की मिट्टी को अगर माथे पर लगाया जाए तो पापों से मुक्ति मिलती है। काले रंग के कुत्ते को ज्योतिष में बड़ा महत्व बताया गया है। इसे भगवान भैरव का वाहन और क्रूर ग्रहों के प्रभाव को दूर करने के लिए बताया गया है। तो मित्रों, काले रंग का धागा अगर आप अपने शरीर पर धारण करते हैं तो इसकी सबसे विशेषता तो यह है कि यह किसी तरह की ऊर्जा को आपके शरीर से बाहर निकलने नहीं देता। तो मित्रों, आज शुभ योग में जरूर आप यह काला धागा बांधें। आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। इतनी खुशियां आपके जीवन में आएंगी जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। मुख्यतः नकारात्मकता जो आपके हर काम में बाधा बनती है, घर में अशुभता लाती है, इससे खत्म हो जाएगी।
नकारात्मकता आपके जीवन में रोड़ा बनकर खड़ी होती है। आप चाहे कितनी मेहनत मशक्कत कर लो, अपेक्षा अनुसार आपको उसका फल नहीं मिलता। परिणाम धन की कमी हो जाती है, आर्थिक समस्याएं सताने लगती हैं, चिंताएं बढ़ने लगती हैं। चिंता साथ में कलेश लेकर आती है और फिर परिवार में अशांति छा जाती है। पति पत्नी का बीच संवाद गायब हो जाता है, लड़ाई झगड़े उसकी वजह से जगह ले लेते हैं। यह नकारात्मक आने के कई कारण हो सकते हैं। ग्रहजनित दोषों से लेकर घर में रखी गलत जगह रखी चीजें, वास्तु दोष भी इसके कारण हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है किसी दूसरे की नजर लग जाना। ईर्ष्या और जलन की वजह से ऐसा होता है, हमारे ऊपर आंख चढ़ाई जाती है। ऐसी नकारात्मकता हमें अपने जीवन में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती, हमेशा दुख और निराशा देती है। बड़ी मेहनत और लगन के साथ हम कार्य करते जाते हैं, फिर भी पर्याप्त सफलता हमसे कोसों दूर हो जाती है। लेकिन आज का उपाय ऐसा प्रभावशाली उपाय है, इससे नकारात्मक शक्ति को हावी नहीं होने देगा। भाग्य का लेखा जोखा प्रत्यक्ष मेल आ सकते हैं। यह उपाय करने के लिए आपको चाहिए होगा रेशमी या सूती काला धागा, थोड़ा हट के उपाय है यह। दोस्तों, काला धागा बांधने की प्रथा आज की नहीं है, कई सालों से इसे हाथ पैर गले और बाजू में बांधा जा रहा है। मूल रूप से इसे नजर से बचने के लिए बांधा जाता है। दरअसल काला धागा और भी कई मुसीबतों समस्याओं से बचाकर व्यक्ति को अमीर तक बनाने में काम आता है। मित्रों, वास्तव में शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। पंच तत्व हैं वायु, अग्नि, जल और आकाश। इनमें इनके मिलने से वाली ऊर्जा हमारे शरीर का संचालन करती है। इनसे मिलने वाली ऊर्जा से ही हम सभी सुविधाओं को प्राप्त करते हैं। जब किसी इंसान की बुरी नज़र हम पे लगती है, तब इन पांच तत्वों से मिलने वाली संबंधित सकारात्मक ऊर्जा हम तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है। काला रंग नज़र लगाने वालों की एकाग्रता से मिलने वाली सकारात्मकता ऊर्जा हम पर यानी कि जो नकारात्मक ऊर्जा है वह हम तक नहीं पहुंच पाती और उसके नकारात्मकता को भंग कर देता है, इसलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है। काला रंग नजर लगाने वाली की गई एकाग्रता को भी भंग करता है। शादी के समय दूल्हे को काला टीका लगाया जाता है। यह काला रंग सदैव बुरी शक्तियों को दूर रखता है। सर्वप्रथम आप एक काला धागा लेकर आपको किसी पास के शनि मंदिर अथवा हनुमान जी के मंदिर में जाना है। अगर आप शनि मंदिर जाते हैं तो शनि देव को जो सरसों का तेल चढ़ाया जाता है, उसे तेल में काले धागे को थोड़ा सा डुबा लें, फिर थोड़ा सा तेल उसे धागे पर लगा लेना है। अगर आप हनुमान मंदिर जाते हैं तो हनुमान जी के चरणों का सिंदूर इस धागे पर आपको लगाना है और साथ ही आपको धागे में 7 गांठ लगानी है। प्रत्येक गांठ लगाते समय एक समस्या के निराकरण की विनती आपको भगवान से करनी है। आपके जीवन की जो बड़ी समस्याएं हैं 7 गांठ लगाते वक्त आपको भगवान को बतानी है। आपको धन संबंधी समस्याओं में जो कार्य में अड़चन आती है, किसी भी प्रकार की अड़चन है, संतान से जुड़ी कोई परेशानी है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, पारिवारिक जीवन में कलेश कलह हो, हर एक समय को एक गांठ लगाते समय आप बोल दें। इस तरह से आप 7 समस्याएं हेतु 7 गांठ बांधें, फिर भगवान के चरणों में एक दीपक जलाकर ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। अगर हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो एक बार हनुमान जी का 40 का पाठ करें। उसके बाद जिस धागे में आपने गांठें लगाई हैं उस धागे को दीप के ऊपर 7 बार घुमा लें और घुमाते समय ओम हनुमते नमः इस मंत्र को 7 बार जाप करना है। फिर आपको किसी को बताना नहीं है, चुपचाप अपने घर आपको चले आना है। इसे एक रात के लिए इस धागे को आप अपने घर के मंदिर के पूजा स्थान पर रख दें। अब इस धागे को अपने जिस भी व्यक्ति के लिए आप उपाय करना चाहते हैं उस व्यक्ति के बाजू में यह आप या बांध दें, उसके बाजू में बांधें, या फिर आप जैसे कोई बीमार पड़ा है तो उसे गले में बांधें, तो निश्चित ही इसका लाभ होगा और इतना धन आएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा।
मित्रों, सावन के पवित्र महीने में आप एक काला धागा आप शिवलिंग के ऊपर जाकर रख दें। भगवान शिव जी के शिवलिंग पर आप रख दें और फिर एक लोटा जल चढ़ाएं और काले धागे को जल से भिगो दें। इसके बाद काले धागे को लेकर आएं और अपने तिजोरी में बांधें, अपने धन के स्थान पर बांधें। आप देखेंगे कि सारी समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। किसी प्रकार की मनोकामना होगी तो अवश्य पूरी होगी। मित्रों, एक और उपाय है, आप एक काला धागा लेकर जाएं शनि मंदिर या फिर आप हनुमान मंदिर लेकर जाएं, और शनि मंदिर जाएं तो सरसों का तेल लगा लें, हनुमान मंदिर जाएं तो हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगा लें, फिर मनोकामना बोलते हुए शनि मंदिर जाएं तो शनि मंदिर के आप गेट पर ही बांध दें। अपनी मनोकामना बोलते हुए और हनुमान जी के मंदिर गए तो हनुमान जी के मंदिर में बांध दें। आप देखेंगे कि आपके सभी कार्य पूरे हो जाएंगे, आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की मिलेगी, हर मनोकामना पूरी हो जाएगी, आपके जीवन के हर कष्ट दूर हो जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।